हे गाइस, आज सुबह हमें ऑफिशियल ट्रेलर सी हल का देखने को मिला है। तो ये 17 अगस्त को हम लोग को डिज्नी प्लस पे देखने को मिलेगा और ये सीरीज़ टोटल 9 एपिसोड्स की होने वाली है। और पर्सनली ये ट्रेलर मुझे अच्छा लगा है और ये मिस मार्वल के कंपैरिजन में तो ये ट्रेलर काफ़ी अच्छा था। तो ये इस सीरीज़ का एक इकलौता ट्रेलर होने वाला है, इसके बाद केवल टीवी स्पॉट्स ही आएंगे। तो आज हम इस ट्रेलर का रिव्यू करेंगे और ब्रेकडाउन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये ट्रेलर देखने में बहुत इंटरेस्टिंग और ऑसम दिख रहा है और इस सीरीज़ में शी हल्क एक लॉयर का काम करेंगी। तो ट्रेलर के स्टार्ट होते ही हमें ये पता चल जाता है कि शी हल्क को पावर्स कैसे मिली। जब कॉमिक्स में शी हल्क बीमार होती है और उसे ब्लड की ज़रूरत होती है तो उसके ब्लड टाइप का कोई ब्लड नहीं मिलता है, तो ब्रूस बैनर उसे अपना ब्लड डोनेट करता है और वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और इस ट्रेलर में हमें देख के ये पता चलता है कि इसमें शी हल्क का एक्सीडेंट होगा और जब उनको ब्लड की ज़रूरत होगी तो ब्रूस बैनर उसे अपना ब्लड देगा और वो शी हल्क बनेगी और वो उसे शी हल्क बनने की ट्रेनिंग भी देगा। और इस सीरीज़ में वो उसका कज़न होने वाला है तो वो उसको बताएगा उसकी हल्क के पावर को कैसे कंट्रोल करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि हमने एंड गेम के बाद हल्क को सैंक्ची के पोस्ट कैरी सीन में अपने ह्यूमन फॉर्म में देखा था, लेकिन उसके बाद सी हल्क के ट्रेलर में हमें फिर वो अपने प्रोफेसर वाले लुक में दिखा, अपने ब्रूस बैनर और हल्क की खिचड़ी के साथ। और हम लोग को ज़रूरत है अपने पुराने वाले डेंजरस हल्क की, ना कि इस प्रोफेसर वाले हल्क की, जिससे कि हम लोग को हल्क और सी हल्क का एक अच्छा सा कॉम्बो देखने को मिले। और हल्क और शी हल्क अलग हैं क्योंकि ब्रूस बैनर जब हल्क बनता है तो वो सब तबाही मचाता है, लेकिन शी हल्क को अपनी पावर्स पे कंट्रोल है और वो अपनी पावर को एक्सेप्ट करती है और उसे इंजॉय करते हुए भी दिखती है। और इस सीन में हम एबोमिनेशन को देखते हैं, जिसको कि हमने शैंगची में वोंग से लड़ते हुए देखा था। और जब वोंग एबोमिनेशन को इस जगह ले जाता है, और इसी जगह को हम शी हल्क के ट्रेलर में भी देखते हैं, और एबोमिनेशन को हम इस चैम्बर में अपने ह्यूमन फॉर्म में देखते हैं। अब बात कर लेते हैं इस सीरीज़ के विलन के बारे में। तो इस जगह हम जब इस लड़की को देखते हैं, ये टिटानिया है, इसको कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ने पावर दी थी और इस सीरीज़ में तो हमें डॉक्टर डूम दिखने से रहा। और इस सीन में वो सी हल्क से फाइट करते हुए दिखती है। और इस सीरीज़ में विलियम हर्ट भी कास्ट हैं एज अ थंडरबोल्ट रॉस। तो इस सीरीज़ का विलन कौन होने वाला है ये तो हमें सीरीज़ देखने के बाद ही पता चलेगा। और एक जगह शी हल्क की फ्रेंड उससे अवेंजर्स ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन वो उससे कहती है कि अवेंजर केवल अमीर, गरीब और अनाथ बच्चे ही ज्वाइन करते हैं। और लास्ट में ये अपने मोबाइल में ऐसे लड़के को ढूंढती है जिसके साथ वो डेट कर सके। इसका मतलब इसे दुनिया बचाने से ज़्यादा एक बॉडी बिल्डर के साथ डेट करना पसंद है। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ।